हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेरी भाभी को बेटी हुई थी, तो बस सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक होने के बाद एकदम से 3-4 घंटे बाद इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम बढ़ गई, एकदम से खबर आई। हम लोग रात में 10 बजे गए तो वहाँ पे एडमिट हो चुकी थी। खैर, हम लोग पहुँचे जैसे खबर मिली, तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो तो हमने कुछ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम लोग इतने परेशान थे। ये तो दूसरे दिन का है, तो हम आईसीयू में जा रहे हैं, उनके ब्लड लगा है, डॉक्टर ने बताया था, तो वही आईसीयू जा रहे हैं देखने। बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि बस समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो देखिए, ये लेटी हुई हैं, बहुत दिक्कत बढ़ गई। इतना सब सोचे थे कि आप लोगों के साथ, जब खबर मिली कि बेटी हुई है दोबारा, हम सेकेंड टाइम बुआ बने हैं, मेरे एक भतीजा है राम, ये देखिए, तो सोचा था कि अब बहुत सब कुछ आप लोगों के साथ अपने खुशियाँ सब शेयर करेंगे। और ये इतना 2 दिन से घर पे था बच्चा, ये मेरा भतीजा है, और बहुत परेशान मतलब कर रहा था। मम्मी मेरी, ये दोनों भाई यहीं पे थे और पापा के साथ ये घर पे था, लेकिन परेशान किया। तो हमने कहा चलो शिवम, इसको ले आओ यहीं पे। तो बस आज ही इसको बुलाया था। सब लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा लगा रहा कि कुछ लोग नीचे थे, कुछ लोग फिर ये ब्लड चढ़ गया तो इनको फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सब लोग आ रहे थे 24 घंटे बाद जनरल वार्ड में इनको शिफ्ट कर दिया गया था। ये हुआ आ जा रहे, कुछ नॉर्मल भी हो गई थी, और बेटी को भी अभी दूध दूध पिलाया नहीं था तो वो रो रही थी, तो हमने कहा कि लाओ इसको हमें दो। तो बिटिया को फिर हमने दूध पिलाया, वही देखिए ऊपर का दूध पी रही है बेचारी। देखो कि ऐसी सब कुछ सही हो गया, और माँ ने अभी बेटी को नहीं देखा, बेटी ने माँ को नहीं देखा। अब जनरल वार्ड में शिफ्ट की गई हैं तो अब थोड़ा आराम कर रही हैं। बिटिया को दूध पिलाया गया, डॉक्टर बोली बिटिया को दूध पिलाओ। तो कुछ लोग ये नीचे बैठे हैं, ये देखिए ये दोनों भाई हैं मेरे, ये नीचे बैठे थे क्योंकि इतना आना जाना लोगों का लगा है कि मतलब एक जगह नहीं, अस्पतालों में इतनी भीड़ नहीं लगाने देते हैं ना। तो बस वही है कि कुछ नीचे बैठे, कुछ लोग ऊपर बैठे, ये और कुछ अपना सब इधर उधर बैठे हैं, घूम रहे हैं, जबकि ज़्यादातर किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा। ये हो रहा ना कि जाओ सब लोग अपना काम देखो, जाके क्या होगा। बहुत हम लोग परेशान हो गए। बस यही है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए और भगवान से दुआ करिए कि अच्छे हो जाएं।